बीती रात से ही ओंकारेश्वर बांध के करीब 16 गेट खुले हुए हैं, जिसके चलते नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा के जल स्तर में वृद्धि देखी गई है। सुबह ओंकारेश्वर बांध का एक गेट और खोल दिया है, इससे नर्मदा के जल स्तर में और भी वृद्धि संभव है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओंकारेश्वर बांध के कुल 17 गेट अभी खोले गए हैं। 10 गेट 2.5 मीटर, 4 गेट 2 मीटर, बाकी 3 गेट खोले गए हैं। बांध के सभी गेट की कुल ऊंचाई करीब 36 मीटर है, जिसमें 10,136 क्यूमेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नावघाट खेड़ी पर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहां जल स्तर अब साई मंदिर के आगे तक पहुंच गया है। प्रशासन ने नर्मदा में नौकायन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि नर्मदा में स्नान पर रोक लगा दी है। नर्मदा के बढ़ते जल स्तर को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ नावघाट खेड़ी पर जुट रही है। बताया जा रहा है कि इंदिरा सागर से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण ओंकारेश्वर बांध से भी जल प्रवाह लगातार छोड़ा जाता रहेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।